दिक्कत थी। और सबसे पहले तो ये था कि मुझे पता ही नहीं था, ये इतनी मुझे तकलीफ होती थी इससे कि मतलब बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। फिर उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी जगह मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, मतलब जगह जगह मैं गई और मैंने फिर अल्ट्रासाउंड भी करवाया, लेकिन मुझे वो सही नहीं लग रहा था। मुझे मन में एक डर था कि मेरा ऑपरेशन कैसे होगा कैसे नहीं, एक लेडीज़ के हिसाब से मतलब कि आगे कोई अगर दिक्कत हो गई तो फिर वो कैसे मैं फिर आगे फिर फ्यूचर में कैसे वो हैंडल कर पाऊँगी। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरी तबीयत और ख़राब होने लगी। फिर मेरे हस्बैंड ने फिर हमने ऑनलाइन रिसर्च करना शुरू कर दिया। उसमें हमने देखा कि यहाँ पे एक है दिल्ली सर्जिकल सेंटर जो है, उनका नाम है डॉक्टर आर के सिंह, उनसे हमने कंसल्ट किया। तो हमने जस्ट एक बार सोचा कि एक बार चेक कर ले कैसा है कैसा नहीं। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर लगा। डॉक्टर भी इतने मतलब हेल्पफुल, केयरिंग और इतने मतलब क्या मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। वहाँ का स्टाफ भी बहुत ही मतलब रिस्पॉन्सिबल और इतना अच्छे, उनके मतलब मेरे साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप हो गए कि मतलब कुछ भी। और मैं जगह पे गई थी वहाँ पे मुझे इतना वो हो रहा था कि मतलब कैसे इनसे आंसर करूँ कैसे नहीं। और यहाँ पे जो भी जितनी भी हमारी क्वेरीज है, जितने भी हमारे डर सारे हैं, जो भी पूछना है वो बिल्कुल आसानी से मतलब हम पूछ सकते हैं। और बिल्कुल मतलब मेरा ऑपरेशन हुआ, मुझे पता भी नहीं चला। ऑपरेशन कैसे हुआ आपका, किस तरीके से ऑपरेशन? मेरा ऑपरेशन गैल ब्लैडर का हुआ था, उसमें मल्टीपल मुझे वो थी। आपका ओपन सर्जरी हुई आपकी या लैप्रोस्कोपी से हुई? और मुझे पता भी नहीं चला। और यहाँ पे मैं आपके शरीर में कोई स्कार्स वगैरह बने, कोई कुछ भी नहीं, दाग धब्बे किसी तरह का? कुछ भी दाग धब्बे कोई भी नहीं। और आज मुझे अभी 6 दिन हो गए, मैं बिल्कुल एकदम एक्टिव हूँ और मुझे बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं मेरा ऑपरेशन भी हुआ है। इतना अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आगे जाके मतलब मैं अच्छे से लाइफ में स्पेंड कर सकूँगी। तो आज आप टाके कटवाने आए हो? आज मैं टाके कटवाने आया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे शरीर में टाके है या कुछ है, मुझे बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हो रहा है। और मैं बहुत ही खुश हूँ और वो सारा मतलब डर वर वो सारा निकल गया है और मैं एक हेल्दी लाइफ अभी जी रही हूँ। डॉक्टर और हॉस्पिटल के बारे में आपको क्या एक्सपीरियंस लगा, हॉस्पिटल कैसा लगा आपको? हॉस्पिटल इतना अच्छा, इतना क्लीन, सबसे पहले तो क्लीन हाइजीनिक। और वहाँ के स्टाफ बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कि हम अगर कुछ अगर दिक्कत है, अगर हमें कुछ परेशानी है तो वो तुरंत वो हमें कोऑर्डिनेट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम चलो बुलाने जाओ और फिर वो नहीं आए और फिर उनसे, और बिल्कुल उनका व्यवहार भी बहुत ही पोलाइटली। और डॉक्टर साहब से तो मतलब उनका तो पूछो ही मत। मेरा तो मतलब ये हो गया कि मैंने उनको फैमिली डॉक्टर बना लिया है। और बहुत ही अच्छे डॉक्टर साहब हैं, मतलब ये लाइफ का सबसे अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बाकी मुझे दो मेरे ऑपरेशन हुए इसके पहले, लेकिन वहाँ पे उससे उतना मुझे वो नहीं मिला था जितना इधर मैं मतलब आराम से सारा क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ और मेरा सब ओके, मतलब आप फॉलोअप भी आराम से कर सकती हूँ, आराम से कर सकती हूँ। चलो वेल एंड गुड, अब आपकी तबीयत अच्छी रहे, आशा करते हैं कि लाइफ में आप ऐसे आगे बढ़ते रहे। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम।